इनको बुखार आ रहा है ना, इसलिए इनकी सेवा हो रही है। और देखिए एक इनका ये फोन आ रखा है, मिस्टर रेखा दीदी का। ये रही रेखा दीदी, इनकी भी तो अभी ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, इनकी नाम नले डिग गई हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप एकदम मस्त, आप बड़े होंगे। और मैं भी एकदम ठीक हूँ, वो फिर भी ठीक ठाक है, मतलब तो पहले से ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेतों की तरफ ऐसे घूमने, और वो रही मेरी छोटी बहन। ये रहा हमारा गांव, और अभी हम चलते चलते आप लोगों को दिखाएंगे। तो कैसे हम? ठीक है, अब ठीक है पहले से। तो थोड़ा चल फिर रहेंगे ना, उससे ठीक हो जाता है, मतलब थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो इसलिए हम ऐसे थोड़ा टहलने जा रहे हैं। सही हिमांशु, देख सकते हैं इधर ना ट्रक गिर गया हमारे इधर नहर की तरफ, मतलब चोट किसी को नहीं आई, वहां से शीशे तोड़ के निकल। जो उधर होगा उसको कितना भयंकर धक्का लगा होगा। कैसे पूरा ये घर के आगे ये रोड है, छोटी रोड थी, और इसलिए ट्रक पूरा इसमें इसके अंदर गिर गया। इसमें पूरा लोडेड है, ईंटें सब उसके अंदर ही है। आधी क्या, पूरा ही ईंटा तो आगे ले आना था, ईंटियां भी निकाली थोड़ी है, ये तो किसी और की है। दवाई खाते रहो, जरूरत का गोली भी खाइयो। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। क्या गोली दे? और क्या? थोड़ा सा मालिश करो, मालिश करके छोड़ दो। हो गया? देखा कहाँ पे लगाया डॉक्टर? हम लोग आए हैं इन्हें जूस पिलाने, क्योंकि मेरे बच्चे का कमजोरी आ रही है अभी। पियो गाइस, अभी देखो मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, तो ये मैं बच्चे के हाथ पैर धोने जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने नहा भी नहीं पा रहे ना, क्योंकि फीवर है, ठंड वगैरह लग जाएगी, इसलिए नहा भी नहीं पा रहे। तो अभी मैं कर रही हूँ इनके पैर साफ। चप्पल तो रख लेता ना पैर में ऐसे ना, ये तो रगड़ गई हाथ पे, ये तो खाल निकालने के चक्कर में। आराम आराम से करूंगी मैं, कौन सा तेज कर। होगी पाओ तो अभी ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, इनकी नाम नले डिग गई हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि ठीक हो जाए। पैर पीछे करो, पैर पीछे करो, अभी
पैर झटक के वो करते हैं करना है। जो पैर झटकाओ पूरा ऐसे मेरे पापा है चलता रहे ऐसा हो जाएगा पापा खाना कब खाया खाना बहुत देर खा रखा है सुबह हम 6 बजे 7 बजे 8 बजे नहीं उठ सकते उल्टा ऐसे करके उठाएंगे अरे ऐसे सही नहीं रहता ढीला करो बिल्कुल और ऊपर से नीचे पहुंच आ जी पानी पिलाते रहो ओ भाई हिला दिया पापा ने खिसका दिया नीचे कल नहीं परसों जाओगे तो बिल्कुल सेट कर देगा आधा पापा परसों आप लेके जाओगे आप चले साथ अच्छा कैसा है अब बेकार हो गया था नहीं है तो नीचे पहुंचेगा तभी तो मशीन लगाई थी वो गन जो है एक बार जो हाथ में ले रखा ना जैसे बंदूक होती है ऐसे तेरे एक बार चक्कर पड़े कि ये कौन सा अरे बंदूक मारने के लिए लाए हैं क्या मुझे है ना ऐसे सोच रहे थे ज्यादा दर्द है बहुत ज्यादा इधर दर्द है यहाँ पे सही हो जाएगा बाबू सही हो जाओ आप जा रहे कहीं गया अभी आ जाएंगे ना वो लेके आना क्या 10 रुपये तो पापा को बता से लेके आएंगे बता से खाने के लिए नहीं ठीक है जाने जाने बस ऐसे वो कुछ करना है ना उसका वैसे खाने के लिए नहीं लाने ये अभी मम्मी ने मुझे दे रखा है काम ये जो लहसुन आपको दिखे होंगे इन लहसुनों को अलग अलग करना है ये जो लहसुन है दिख रहे हैं आपको ये जो मेरी बहन है कोई काम नहीं करती मेरी बस हंसती रहती है दिखाना जरा शकल ओए ये देखो इसकी गंदी शकल गंदी मुंह बना के दिखा रही है बदतमीज और ये महाराज लेते हैं और मेरे को यहाँ पे काम दे रखा है तो देखिए गाइस हम लोग यहाँ बैठे हैं सब जने मम्मी सिस्टर मैं मेरा बाबू इनको बुखार आ रहा है ना इसलिए इनकी सेवा हो रही है और देखिए एक इनका ये फोन आ रखा है मिस्टर रेखा दीदी का ये रही रेखा दीदी इनकी भी कमी है और एक जतिन की बस रेखा दीदी ऐसे करो दांत की दांत ही चमक रहे हैं ना इधर कैमरा बहुत तगड़ा है जैसे धूम कोहरा हो रखा यहाँ कोई आ रखा है दुबई से मिलने रेखा की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा आ गया आपके घर में अब ठीक है हाँ अब दिख रही है अब दिख रही है दीदी ये रही हमारी बड़ी दीदी जो कि हरियाणा में रहती हैं और इनका एक बेटा भी है वो भी बहुत अच्छा है जतिन उसका नाम है और मेरे जीजू भी बहुत अच्छे हैं जतिन जीजू का नाम राकेश मैं भी जतिन बोल रही थी राकेश जी यस मैं क्लिप बना रही हूँ क्लिप